हेलो एवरीवन, सो गाइस वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और आज का जो वर्ड है देखते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं लैश आउट। लैश आउट आपने सुना भी होगा, लैश आउट न्यूज़पेपर पे तो काफ़ी यूज होता है। लैश आउट, लैश आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना, ज़्यादातर तो यही मतलब होता है। वैसे एक और मतलब है कि किसी को फिजिकली हिट कर देना, मारना, वो भी लैश आउट है, बट ये हमेशा न्यूज़पेपर में यूज होता है, खासकर जो पॉलिटिशियंस वगैरह वो लैश आउट करते हैं, घोर निंदा करते हैं। अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो व्हेन यू लैश आउट एट समवन, अच्छा प्रेपोजिशन भी देख लीजिए, एट का इस्तेमाल है, जब आप किसी को लैश आउट करते हैं यू एक्सप्रेस योर एंगर, आप अपने गुस्से को वहाँ पर दिखाते, एक्सप्रेस करते हैं बाय सेइंग। अब वो गुस्सा आप कैसे दिखाते हैं, कुछ कहकर और राइटिंग या लिखकर फ्यूरियस वर्ड्स, बड़े गुस्से वाले जो वर्ड्स हैं या तो बोलेंगे आप उनके बारे में, या तो कहकर कि बहुत ही खराब है, उसने ये किया है, वो अच्छा नहीं है, ये अपने गुस्से को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कहकर, या आप किसी को लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आपने जो किया बहुत ही बुरा था, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, ये वो। तो ये जो आप कह रहे हैं बोलकर या लिखकर गुस्से में, ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि आप लैश आउट कर रहे हैं, एट फलाना, किसी को आप लैश आउट कर रहे हैं तो आपको एट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यू कैन ऑल्सो लैश आउट इन अ फिजिकल वे, आप फिजिकल तरीके से भी लैश आउट कर सकते हैं बाई किकिंग और हिटिंग समवन इन एंगर, गुस्से में आपने किसी को किक कर दिया, लात मार दिया, हिट कर दिया, यानी कि आपने उसको लैश आउट कर दिया है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने इसका इस्तेमाल देखा है वो लैश आउट निंदा करने, कहकर या लिख कर निंदा करते हैं, जरूरी नहीं कि आप थप्पड़ ही मार देते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि अ जर्नलिस्ट लैश्ड आउट एट पोल्यूटिंग कंपनीज, यानी कि एक जर्नलिस्ट है, ओके, वो उसने निंदा की, लैश आउट किया, उसने अपना गुस्सा निकाला, चाहे वो बेशक लिख कर निकाला हो या बोल कर निकाला हो, किस पर निकाला, एट पोल्यूटिंग कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि पोल्यूट कर रही, जो पोल्यूशन फैला रही, ओके। यहाँ लिखा है कि बाय राइटिंग, लिखकर उसने निकाला एन ओपिनियन पीस फॉर अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में अपना एक ओपिनियन उसने लिखा, ओपिनियन में उसने जितनी बुराइयाँ होगी, गुस्से वाला सब कुछ लिखा, तो इस तरीके से लिखकर उसने क्या किया, लैश आउट किया, किसको किया, पोल्यूटिंग कंपनीज को किया। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। एज अ पॉलिटिशियन, एक नेता के रूप में, ही फ्रिक्वेंटली लैश्ड आउट एट द प्रेस, उसने हमेशा ही बार बार उसने प्रेस को, प्रेस की निंदा की। एक पॉलिटिशियन है, उसके खिलाफ अगर कोई प्रेस वाला होगा तो उसने लैश आउट किया प्रेस को, उसकी निंदा की, इस तरीके से घोर निंदा की। दे लैश्ड आउट एट द काउंसिल्स मूव टू स्टॉप फ्री पार्किंग, मान लीजिए कोई काउंसिल है, उसने कदम उठाया टू स्टॉप फ्री पार्किंग, कि भैया फ्री पार्किंग को स्टॉप करो, पार्किंग का पैसा लगेगा, फ्री में नहीं कर सकते। तो ये जो कदम है किसने उठाया, काउंसिल ने उठाया, तो दे कुछ लोग हैं उन्होंने लैश आउट किया, घोर निंदा की, बहुत ही गुस्से को दिखाया, एक्सप्रेस किया, चाहे लिखकर बोलकर, किस पर गुस्सा दिखाया, एट द काउंसिल्स मूव, उस काउंसिल के कदम पे गुस्सा दिखाया, उस मूव पे गुस्सा दिखाया, ठीक है जी। द मेयर लैश्ड आउट एट हर क्रिटिक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, हर मतलब मेयर फीमेल है, तो फीमेल मतलब मेयर ने क्या किया, लैश आउट किया, अपना गुस्सा दिखाया अपने क्रिटिक्स पे, अपने बुराई करने वाले लोगों पे, उन्होंने उसने गुस्सा दिखाया ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान, ठीक है जी। शी लैश्ड आउट आफ्टर शी वॉज डिफीटेड बाय वन वोट, एक वोट से जब वो हार गई तो उसने लैश आउट किया, यानी कि उसने अपना गुस्सा दिखाया, किस पर दिखाया वो लिखा नहीं, शी लैश्ड आउट, किस पर दिखाया तो एट लगा दीजिए, लिख कर दिखाया तो बाय राइटिंग लगा दीजिए, बोल कर दिखाया तो बाय सेइंग लगा दीजिए, और आप सीधा लैश्ड आउट कह देंगे तो इसका मतलब है कि उसने भैया घोर निंदा की, अब ये बताने कि लिख कर किया कि बोल करके, लैश आउट तो कर दिया, अपने गुस्से को तो जाहिर कर दिया, ठीक है जी। ये होता है लैश आउट, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।